Hello everyone, I'm back again with another video on Ambient. So I hope you guys have started preparing for your CAT 19 or will be starting in case your MBA prep and the results were not up to the expectations. So in order to help you guys, I have come up with another concept. So aaj ka concept hoga to find the number of digits. So chalo phir start karte hain. Now, इसे स्टार्ट करने से पहले वी जस्ट नीड टू लर्न समथिंग अबाउट द लॉगरिथम. कुछ बेसिक सा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा ताकि वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन आर टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स बेसिकली. तो देखते हैं. सो लॉग बेसिकली होता क्या है. लेट्स से इफ यू राइट एनीथिंग लाइक इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट रेज टू पावर 3 विल गिव यू वैल्यू 81. So, एक बार फिर से सुन लो. What raised to power 3 will give you value 81. So, your answer should be 4. है ना? On a similar note, if I ask you, what raised to power 2 will give you 8? So, your answer will be 3. है ना? Or if I ask you, what raised to power 2 will give you 16? So, again, your answer will be 4. And so on. So, let's say if I represent the same number or same value in terms of logarithm. So, logarithm में कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखेंगे. So basically ये इसका मतलब क्या होता है. नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है what raised to power 3 will give you value 81. ठीक है, तो आंसर क्या होगा. द आंसर द आउटकम इज 4. अगर तुम इसे लिखोगे लॉग के फॉर्म में तो ये कैसा जाएगा, कुछ ये ऐसा आएगा. सो इसका मतलब क्या है, what raised to power 2 will give you value 8. सो दिस इज योर वैल्यू एंड दिस इज योर पावर. सो आंसर इज 3. सो कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट होता है. So, आगे जानने के लिए एक बार और सुन लो और इसे कॉन्क्रीट करने के लिए एक बार और सुन लो. लेट्स से इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस व्हाट रेज टू, अगेन कुछ ऐसा आएगा. सो व्हाट रेज टू पावर 2 विल गिव यू वैल्यू 16. सो ये आंसर इज अगेन 4. तो इन सब नंबर्स को मैंने क्या किया, मैंने सारे को लॉगरिथम के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना. ऑलराइट. सो अगर तुम इसे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो देख लो. अगर कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, सो यहाँ क्या बोला जा रहा है, व्हाट रेज टू पावर ए विल गिव यू वैल्यू बी. ठीक है, सो आंसर इज अगेन सी. सो अगर इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, बी विल बी इक्वल टू ए टू द पावर सी. सो यहाँ पे अगर इसे इन सबको अगर सॉल्व करते तो क्या आता है, यहाँ पे दिस वुड बी 16 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 4. है ना, इसका मतलब यही होता है, इस लॉग का मतलब ये वैल्यू होता है. ठीक है, एंड इफ आई हैव टेकन दिस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल दिस विल बी योर अल्टीमेट आउटकम. सो इसे यूज करके हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे. सो एक क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे जो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 125 टू द पावर 25. सो ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. तो इसे सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. ठीक है, लेट्स से इफ आई आस्क यू दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इफ आई राइट 10 टू द पावर 1. इसमें कितना डिजिट्स है बताओ, इसमें कितना डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, है ना, दैट इज 1 एंड 0. अगर मैंने सेम क्वेश्चन पूछा फिर से, लेट्स से इफ आई हैव 10 टू द पावर 2 और 10 स्क्वायर में कितना डिजिट्स होता है, अगर 10 स्क्वायर को थोड़ा सा लिखोगे दिस इज नथिंग बट 100. सो इसमें कितना डिजिट्स है, देयर आर टोटल 3 डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स हियर इज 3. सो लेट 10 टू द पावर अगर 3 लिखते हो तो कितना होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, अगेन दिस विल हैव 4 डिजिट्स. सो एंड सो ऑन. तो अगर पैटर्न को अगर फॉलो करते हो, लेट्स से इफ आई राइट 10 टू द पावर n तो इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, द नंबर ऑफ डिजिट्स इज नथिंग बट n plus 1, that is here it will be n plus 1 digits. ये तुम्हारा value होगा इसका और n plus 1 will be the number of digits basically. So guys, what I'm trying to find out here is, so any value if you need to find the number of digits, ठीक है, अगर उसे तुम इस form में लिख देते हो, n to the power n के form में लिख देते हो, तो you'll get the number of digits here. You know that is n plus 1. So here we need the application of logarithm. तो लॉगरिथम का आउटकम बेसिकली क्या होता है, लॉगरिथम का आउटकम बेसिकली होता है 10 टू द पावर अ सर्टेन वैल्यू. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में देखा कुछ ऐसा हुआ, 2 टू द पावर लेट्स से 8 इज इक्वल टू 3, है ना. तो यहाँ पे वैल्यू क्या था, सो दिस वाज योर 8, सो 2 टू द पावर क्यूब वाज द वैल्यू हियर, है ना. तो यही हमने सीखा था लॉगरिथम में भी. ठीक है, सो अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते. तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया है. ठीक है, तो इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं. तो लेट्स से इसे मैंने लॉग अप्लाई किया, दिस इज 125
एंड पावर इज 25. सो लोगैरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज होता है विच आई विल कम अक्रॉस और विच आई विल ट्राई टू कन्वे इन द फर्दर वीडियोस. सो अगर ये पावर होता है तो ये कुछ आगे आ जाता है कुछ ऐसा. ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 25 इंटू लॉग 125. ठीक है, तो इसे अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 125 को तुम 5 का क्यूब भी लिख सकते हो. तो दिस विल बी इवेंचुअली 75 इंटू लॉग 5. तो इसे जब तुम आगे सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट certain values like 52 point something कुछ values आए हैं यहाँ पे. ठीक है, so ये value basically है क्या, ये value इसका value है ना. so this was log base में यहाँ पे it was 10, 125 to the power 25, right? so इसका value कितना आया, 52 point something. so this is nothing but 10 to the power 52 point something ना, है ना. since this is 52 not 53, so your number of digits is going to be n plus 1, हमने already सीखा था. राइट, सो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 52. सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज गोइंग टू बी 53 एंड दैट इज योर आंसर. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टू मेक योर कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट. वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 2009. ठीक है, तो अगेन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कैसे इसे अप्लाई करना है. तो फिर से लॉग ले लेंगे, लॉग 2 टू द कुछ ऐसा है. ठीक है, इसे जब आगे सॉल्व करोगे, हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया है. सो दिस इज लॉग 2. जब तुम इसे सॉल्व करोगे फर्दर, सो यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट सो 2009 एंड लॉग 2 का वैल्यू होता है तुम्हारा 0.301. सो ये तुम्हारा कुछ आ गया 604 होगा पॉइंट समथिंग, दैट इज 6. ठीक है, सो ये तुम्हारा कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया. ठीक है, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, बेसिकली दिस इज द वैल्यू हियर. सो ये तुम्हारा log 10 बेस में 2009, ये इसका वैल्यू है. ठीक है, सो बेसिकली तुम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 to the power 2009 को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो 10 to the power 604.7 अप्रोक्सीमेटली. सो अगेन दिस इज नॉट 605. ठीक है, सो द वैल्यू क्या आ जाएगा, अगेन n प्लस 1, और व्हेन वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 604 ओनली हियर, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 605 और 605 और 605 तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स है इस क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप अब कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्क्रीट हो गया होगा एंड आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू इन फिगरिंग आउट हाउ टू गेट द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अस, वी विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस एंड आगे भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.